अभी पैसे दो तो जल्दी भेजा रही हूँ। भिखारियों के लिए जगह नहीं है। अगर मैं 100 रुपए में से भी 10 रुपए चल ऐसे भाड़ू को तो मैं कितनों को अपने बगल पर रखू। स्मार्ट लग रहे पापा। अरे स्मार्टफोन जो पैदा हुए तभी से तो कार से मान लेता मैं मेरे को आकर दर्द होगी मैं हेलीकॉप्टर ले आऊँ। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज के दिन की शुरुआत हो रही मेरी बिस्तर से और टाइम हो गया पता है 9:30 बज गया और मैं अभी तक बिस्तर में हूँ। ये देखो मेरे पैर की हालत भाई, कल से पैर में ना स्वेलिंग थोड़ी कम है यार। भाई कल तो भाई पूरा ही पैर ना इतना मोटा मोटा हो गया था पूरा पैर, आज थोड़ी स्वेलिंग कम है। अगर आज और कल 2 दिन स्वेलिंग नहीं होगी ना पैर में तो शायद मेरा पैर अच्छा हो जाए, वरना भाई जो पैसा खर्च किया है ना मैंने सारा कैमरे वैमरे में, अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने भाई कम से कम 1-1.5 लाख रुपए के कैमरे और परचेस किए अपनी राइड के लिए और इतना बड़ा कांड हो गया। अब मम्मी कर रही है घर का काम, झाड़ू पोछा, और सिद्धि कर रही है किचन में काम। और ज्यादा हो रहा है, भारी हो गया बहुत ज्यादा पैर। ऐसे भी दर्द हो रहा है? हाँ, उसमें हाथ मत लगा, वहाँ पे मतलब सूजन कम नहीं हो रही ना अभी पहले से? चलना मत ना, घूमने जा जाऊंगा, सब लोग घूमने जा रहे हैं, मनाली शिमला बर्फ पड़ी हुई है। कितनी बार जा गया है, कितनी बार बर्फ देखे गया तू? तो मैं पापा जाएंगे कार से कहीं घूमने, तो एक बार मेरा पैर ठीक हो जाएगा ना तो मैं मम्मी पापा ना कार से घूमने जाएंगे। मैं अपनी कार में ना वो लगाऊंगा आपका रूफटॉप टेंट लगाऊंगा ताकि दिन में खाना वाना बनाने का सारा कार नहीं, अंदर किचन विचन सब कुछ बन जाता है, देखते हैं क्या होता है। चलो छड़ी छड़ी कहाँ है, छड़ी है। तो भाई ऐसे दिन आ गए हमारे, अब घर वाले बोल रहे हैं कि लाठी पकड़ के चलना शुरू कर, पैर में वजन नहीं पड़ेगा तेरे लिए सही रहेगा। तो आज सुबह का नाश्ता बना रही है सिद्धू, तो पापा के लिए बन रहा है गर्म ना गर्म ऑमलेट। मम्मी सही कह रही है कि लकड़ी के सहारे चलना पड़ेगा वरना पैर में, डॉक्टर ने बोला कि पैर में बिल्कुल भी जोर मत दे। पापा बाहर धूप ऊप सेक रहे हैं। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? नाश्ता कर लिया? एक ऑमलेट और एक चाय, बस इतना ऑमलेट देते हैं लोग? तो तुम इनसे कोई और ऑर्डर नहीं करवाते क्या? बादाम से कांदे से पिया करो सुबह सुबह। आदमी को रोटी नहीं मिल रही है ढंग से, इंसान को सब्जी नहीं मिल रही है ढंग से, इंसान को काली चाय नहीं मिल रही है ढंग से। काली चाय नहीं मिल रही? काजू शेक की बात कर रहे हो? अनार अंगूर काजू शेक, काजू शेक जरूरत नहीं, मेरे भी जरूरत नहीं कोई, बहुत आ रहा है बस मेरे पास जो आ रहा है मैं उसको भोजन को सेवन कर। अंडे मिल रहे हैं, मीट मिल रहा है हर तीसरे दिन, हर सब्जियां हैं, पराठे हैं, दूध दो दो गिलास मिल रहे हैं सुबह। ये लो पापा, बढ़िया सा एक ऑमलेट है। चलो आधा खा लो फिर। मैंने खा लिया ना आधा, खा अब गर्मा गर्म आ रखा पापा तुम्हारे लिए, यार मजा आ गया, तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया मैंने भी बिना मिर्च का। गुलेल पकड़, हमारे घर में बंदर आ गए भाई बहुत सारे, देखो सामने ये देखो, ये मम्मी ने गुलेल निकाल लिया, ये हमने गुलेल रखी घर में ना बंदर को भगाने के लिए, इसमें पत्थर रहता तो कुछ है नहीं, हे भगवान। तो इस गुलेल में पत्थर भी तो रख। तो भैया सिद्धू संभाल रही हमारे बिस्तर, देखो भैया हम गरीबों के यहाँ बिस्तर ऐसे संभाले जाते हैं, हमने दुनिया भर के सारे सामान अपने कीमती छुपा के रखे इन बेडों के अंदर। तो भाई सुबह सुबह पापा ना अखबार तो ऐसे पढ़ते जैसे पापा का ना अभी थोड़ी देर में एग्जाम होने वाला है। क्या खबर आई है कोई खास पापा? मोदी का ही नाम है इसमें और है, क्या है? मोदी 400 सीट आएंगी इस बार तो पूरे देश में भगवा लहराएगा पापा। अरे मैं तो 500 ले आए, 600 ले आए, दुनिया भूख मर रही है, हमें किसी की तारीफ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ साफ कह रहा हूँ, चैलेंज है ये, मैं तो कांग्रेस के अलावा किसी के बाप को नहीं दूंगा। क्यों, कांग्रेस में ऐसा क्या है? तो कुछ नहीं, हम बस मेरी आस्था है। आप तुम्हें वोट दें तो मैं ले आऊँ, कार से लेके नहीं जाऊंगा तुमको वोट देने। तो कार से मान लीजिए मैं मेरे को आकर दर्द होगी मैं हेलीकॉप्टर ले आऊंगा, इतना पैसा फेंक दूंगा आज बना रहा सारा। तुमको वोट देने मैंने ले आना है और मैं तुमको वोट देने, मुझे तेरे जैसे की जरूरत नहीं वोट देने के लिए। तो भैया देखो मोदी 400 पार होंगे, गारंटी पक्की है इस बार की, गारंटी। 500 ले यार। तो भैया टाइम हो गया भैया 10:30-11 बज चुका है, अब पापा का सेविंग करने का टाइम है। तो भाई अब जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ है ना तब से हम लोग घर में नाई भी बन गए, नाई का काम भी सीख गए हल्का हल्का। अरे मियाँ जरा मुंह पर करो मियाँ, प्रो हमारे पापा प्रो हैं, पापा को सेविंग जेल नहीं चाहिए। तो पापा तुमने कभी सेविंग जेल लगाया ना आज तक? साबुन से क्या हमेशा? सही है, साबुन से जब हो जा रहा है तो जरूरी है पैसे भूख। आराम आराम से, दर्द हो रहा है क्या? एक ही जगह पर रगड़ गए मत कर। स्मार्ट लग रहे पापा? अरे स्मार्टफोन जो पैदा हुए तभी से, आज 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने से पापा की दाढ़ी मूछें हम ही लोग बनाते हैं। अब पापा जब तुम ठीक हो जाओगे तब हमको 1 लाख रुपए देना, ठीक है? सोचेंगे भी। सोचोगे? 1 लाख रुपए की दाढ़ी होती है तो पापा पूरे 1 साल से बना रहे हैं हम पैसे भी नहीं। आप मुंह बंद करो वरना बाल मुंह चले जाएंगे तुम्हारे। पापा बोलते रहते मुंह बंद करो। पापा की सेविंग हो गई है, दाढ़ी बना के चंकी कर दिया है, मूछें भी बना दी है बढ़िया तरीके से, अब स्मार्ट लग रहे हो। ये क्या है? ये है क्या है? मॉइस्चर या मॉइस्चराइजर? इंस्टेंट मॉइस्चराइजर।
तुम्हें बड़ा पता है पापा, हमने तो आज तक नहीं लगाया कभी मॉइस्चराइजर जिंदगी में आज तक। जब हम इंसान के बच्चे जैसे दिखाई दें इस टाइप से बनो। अच्छा दाढ़ी बनाओ हर तीसरे दिन। अच्छा मतलब मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ क्या लंबे बाल दाढ़ी में? ये पागलपन है, ये पागलपन। तुम्हें अभी अमेजोन से हमारे घर पे क्या आया? नया ये मेरे लिए आया ना। अरे मेरे लिए है वो। ये नाम है इसका जॉनसन बेबी। इसे अभी मैं नहाने के बाद पैरों की एड़ियों पे लगाऊंगा। हे भगवान। चलो भैया भाभी जा रहे हैं अपने ससुराल की तरफ। पैसे दो तो जल्दी पे जाओ। कितने पैसे पड़े हैं अकाउंट में? पैसे पैसे पापा दबा के पैसे 200 मुझे दो। अरे कितने पैसे मिले? और सुनो इसमें से 90 रुपए बचा के लाना। 10 रुपए खर्च करने में 100 रुपए में से अपने मायके जा रहे हो ना। तुम लोग पापा के लाख बना लो और मैं पापा के और मैं 100 रुपए में से भी 10 रुपए खर्च करके 90 रुपए दे दूँ। ये 100 कुछ नहीं बचाना है उसी का है। मतलब पानी की तरह बात हुआ सारा पैसा। क्या खाओगे? क्या खाओगे? 5 की चाउमीन, 5 के मोमो, 10 रुपए का मैं सबके लिए वहाँ अपने घर के वालों के लिए ले जाऊंगा। पापा मुझको दे दो यार। पापा मुझको दे दो यार। भिखारी पर मत दिखा। हैं? भिखारी वाला रोल मत। पापा मुझे दे दो ना प्लीज। भिखारियों के लिए जगह नहीं है। अच्छा तो बोर्ड लगा दो यहाँ। बोर्ड लगा दो भिखारियों के लिए जगह नहीं है करके यहाँ हमारे जो वहाँ लगाओ। देख रहे हो अपने घर की बहू को तो पैसे दे रहे हैं, मेरे को नहीं दे रहे हैं। आराम से जाना है। ओके 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 ओके। तो भाई मैं ना इस पैर को लेकर ना चल भी नहीं सकता, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं वहाँ आने को। आराम से बैठो आराम से। और भाई ये मेरी बाइक है पुरानी वाली जिससे मैं लद्दाख गया था कभी। अरे बाप रे चश्मा। अरे तेरी भैया भाभी चले गए तो पापा बोल रहे हैं आज मैं क्लास लूंगा बंदा मम्मी की। कसरत करोगे आज? ये कैमरे में उसके घर वाले भी देख रहे हैं मायके से मम्मी के। यहाँ आके 2 मिनटों का लिंक गिरफ्तार। अच्छा ऐसे भालुओं को तो मैं कितने को अपने बगल पर रखूं? जवान मत खोलना, मुंह मत खोलना। क्यों? तो फिर मेरा हाथ चल पड़ेगा, मैं सारे को चक्का उठा के मार दूंगा। मुझे बहुत दुखी करके रख दिया तुमने सुबह से। 1 घंटा सोने नहीं दिया, बिस्तर लगाया उसे सुबह उठा के फेंक दिया। भाई तो चला गया भाई अपने ससुराल को। तुम नहीं गए? तुम अपने ससुराल को जाओगे? मेरे पास टाइम ही नहीं है ससुराल वालों के पास मुलाकात करने का, बैठने का, उठने का। अपने मेरे पास मेरी खेती है मेरे सर पे। तुम्हारे सासू माँ ससुर जी मेरा दामाद कब आएगा? कब आएगा? ठीक है कहते रहते हैं सासू माँ ससुर जी भले रहे जीवित रहे 100 साल जिए और 200 साल जिए। मेरा उनसे भी बैठ हुई है, मेरे को नहीं दिया। और तुम्हारे प्यारे प्यारे साले? सालों को मैं कोई लिप नहीं देता हूँ, साले मेरी तरफ से एक नहीं है। बेकार। तीन कौड़ी के आदमी। कौन? साले लोग। मेरे लिए सब वो आलू टमाटर के थैले। तुम्हारे भी तो साले ऐसे हैं जैसे कि वो कहते हैं कौरव पांडव के 100 पुत्रों की तरह एक साला होता तो दुष्ट हैं सारे। हैं? दुष्ट। तो भाई पापा का ऑमलेट बन के आ गया। टाइम हो चुका आपका 6 बज चुका। पापा ऐसा है अभी तुम्हारे सास ससुर जिंदा है, मिठाई के डब्बे वब्बे लेके काजू बादाम लेके कभी चले जाया करो सास ससुर के पास। 56 करोड़ की चौथाई सास ससुर ने नहीं दी है तो मुझे जबरदस्ती उनके पीछे लगने की जरूरत क्या है? जब तुम मम्मी को मांग के लाए थे उसे तब तो बड़ा उनके हाथ पे जोड़ के लाए थे मांग के वहाँ से। तुमको अपना उल्लू सीधा करना है हाँ? तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूंगा, पांव पड़ूंगा और तुम्हारे पांव को अपने सर में रखूंगा हाँ? तो मुझे ये नौटंकी करनी नहीं आती है। सब भगवान दे रहा है, सब भगवान दे रहा है। मैं अपने सास ससुर की गुण नहीं गाता हूँ, नहीं कदापि नहीं। ये सास ससुर बहुत ही जरूरत से ज्यादा सीधे और धीते हैं, बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो भैया आज के ब्लॉग में इतना ही और कल मिलते हैं फिर आपसे खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि पैर में अभी दिक्कत है। 2-4 दिन के बाद अगर मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो फिर एक बढ़िया सी एडवेंचरस राइड के लिए जाएंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कहाँ की यात्रा देखनी है, नॉर्थ ईस्ट की, लद्दाख की, या हिमाचल की, या उत्तराखंड की। 4 ऑप्शन है आपके पास। कोई ये कमेंट सेक्शन बताओ कि अगले महीने में बाइक लेके कौन से राज्य में घूमने के लिए जाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।